हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा पांडे, आई एम योर साइंस टीचर. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द रीजन्स ऑफ अर्थ. हियर रीजन मीन्स स्फीयर, इट मीन्स एरिया. बच्चों, रीजन ऑफ अर्थ का मीनिंग है स्फीयर्स ऑफ अर्थ. वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू फोर स्फीयर्स. दे आर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर एंड बायोस्फीयर. लिथोस्फीयर मीन्स the area of the earth's surface with clear land. दूसरे शब्दों में जितने भी continents हैं वे lithosphere हैं. You see the map of the earth. इस map में ये जो area light and dark brown एंड ग्रीन कलर्स में दर्शाया गया है, ये लिथोस्फेयर का हिस्सा है. और इस मैप में सबसे ज़्यादा एरिया कौन से कलर में दिखाया गया है? इसमें सबसे ज़्यादा एरिया ब्लू कलर में दिखाया गया है. स्टूडेंट्स, ब्लू कलर इज़ यूज्ड टू शो वाटर बॉडीज सच एज ओशन, लेक्स एक्सेट्रा. सो the maximum area of the earth's surface is covered with water and that is almost 71% and only 29% area is open land. So what is more on the earth, land or water? The answer is water. Now we know that maximum area, that is 71% of the earth's surface, is covered with water. So we must know about the different forms of water present on the earth. Students, water hamari prithvi par teen forms mein maujood hai: solid, liquid and gas. Let's understand this. If you see the map, the blue color shows the oceans where the water is present in liquid form. समुद्र में पानी liquid form में मौजूद है. क्या आप बता सकते हैं कि water liquid form में और कहाँ मौजूद है? So, water is also present is liquid form in seas, lakes, rivers, etc. Now see the area with white color. What does it show? Students, ये polar region है. यहाँ temperature हमेशा 0 degree से नीचे रहता है, इसलिए यहाँ जो भी water bodies हैं वे सब frozen हैं. तो हम कह सकते हैं कि water पृथ्वी पर solid form में भी मौजूद है. बर्फ पानी का सॉलिड फॉर्म है. स्टूडेंट्स, वाटर गैस फॉर्म में भी मौजूद है. जब पानी को हम बॉयल करते हैं तो वह भाप बनकर हवा के साथ हो लेता है. यह जो भाप है, जिसे इंग्लिश में हम वेपर कहते हैं, यह पानी का गैस फॉर्म है. सो स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड दैट वाटर इज प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म्स ऑन द अर्थ. But why is water present in solid forms in this two polar region, that is North Polar region and South Polar region? To understand this, we have to understand that sunlight does not fall directly on every part of the earth. On some part of the earth, sunlight falls directly. See the diagram.
ऑन सम पार्ट ऑफ द अर्थ सनलाइट फॉल्स डायरेक्टली. दिस डायग्राम शोज द टेम्परेचर जोन्स ऑफ द अर्थ. तो स्टूडेंट्स, वाटर इन दोनों पोलर रीजन्स में सॉलिड फॉर्म में क्यों प्रेजेंट होता है? पोलर रीजन मींस नॉर्थ पोलर रीजन एंड साउथ पोलर रीजन. ट्रॉपिकल जोन इन रेड कलर रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट. सो दिस इज द हॉटेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ. यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेड कलर में जो एरिया दिख रहा है वह ट्रॉपिकल जोन है. यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ने के कारण यह अर्थ का बहुत ज़्यादा गर्म एरिया होता है. एंड द टेम्परेट रीजन इन ग्रीन कलर रिसीव स्लैंटिंग सनलाइट. सो दिस एरिया आर कंपैरेटिवली कोल्डर देन ट्रॉपिकल जोन. यहाँ पर ग्रीन कलर में जो एरिया दिख रहा है इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं. यह एरिया ट्रॉपिकल जोन की तुलना में ठंडा होता है. बट स्टूडेंट्स, द पोलर रीजन्स इन ब्लू कलर रिसीव्स वेरी लिटिल सनलाइट एंड देयरफॉर द टेम्परेचर इन दिस रीजन रिमेन्स बिलो 0 degree अराउंड द ईयर. सो द वाटर प्रेजेंट इन दिस रीजन्स आर ऑलवेज फ्रोजन. इट मीन्स इन सॉलिड फॉर्म. And the water present on the earth in liquid, solid and gaseous form together make the hydrosphere. Hydro means water. So students, polar region में बहुत कम sunlight पड़ने के कारण यहाँ का जो temperature है वो below 0 degree होता है, जिस वजह से यह बर्फ से ढका हुआ होता है. ओके, जिसे हम पोलर रीजन कहते हैं. नाउ लेट अस नो अबाउट अनदर स्फीयर दैट इज एटमॉस्फियर. एटमो मीन्स एयर. आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर एंड इट हैज मैनी लेयर्स. सी दिस पिक्चर. It has many layers. It shows the layers of atmosphere. Air can't be seen, but we feel it. When it blows air, it mixture of gases. एक another sphere के बारे में जानते हैं, जिसका नाम atmosphere है. हमारा अर्थ हवा से क्या होता है? घिरा हुआ है. इसमें कई परतें हैं. दिस डायग्राम शोज द परसेंटेज ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एयर. 78% ऑफ air consists of nitrogen and 21% of air consists of oxygen and only 0.98% of air has gases like argon, carbon dioxide, etc. But here you see air also has water vapor. So water is present in air. 99% of air is found within 40 kilometer height of height. Now students, look at this page number 3. Two activities are given here. The first activity will prove that water vapor is present in the air.
एंड द सेकेंड एक्टिविटी शोज दैट एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो डूइंग दिस टू एक्टिविटीज. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.